Hello people, I'm back with one more topic, with one more class and with one more concept. आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल रीजनिंग और पैरेलल रीजनिंग इज नथिंग बट सेम टाइप ऑफ सिचुएशन और सेम टाइप ऑफ रीजनिंग एक्सप्लेनेशन। पैरेलल रीजनिंग में आपको बहुत ज़्यादा लॉजिक ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये देखना होगा कि ऑथर जैसे x से y बनाता है वैसे ही ऑप्शन भी x से y बनाएगा। तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि रीजनिंग कैसे बन रहे हैं, रीजनिंग कैसे बनाएंगे और रीजनिंग का लॉजिक क्या होगा। फाइन, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस पैरेलल रीजनिंग। फाइन, ऑलराइट। सो बिफोर वी प्रोसीड, पहले ये जान लीजिए कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पैरेलल रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट क्लोजली पैरेलल इन द रीजनिंग टू द रीजनिंग इन द आर्गुमेंट अबव। तो वर्ड पैरेलल रीजनिंग ऐड हो गया। वेन एवर देर इज पैरेलल रीजनिंग, इसका मतलब ये हो गया कि आपको पैरेलल रीजनिंग ही करना है। तो ये ओपन सीक्रेट है। Which one of the following exhibits a pattern of reasoning most similar to that exhibited by the argument above? तो जैसे ये word most similar आ जाए, जैसे ये most similar आ जाए तो भी ये parallel reasoning ही होगा। तो दो identifier हो गए आपके, एक आपका हो गया word parallel reasoning itself और दूसरा हो गया most similar to। अब आते हैं Which one of the following argument is most similar in its logical features to the arguments above? तो most similar सेम हो गए। Which one of the following argument is most similar in its pattern of reasoning to the argument? फिर से most similar, right? The structure of the reasoning in the argument above is most parallel. Fine. तो जब कभी भी parallel reasoning होगा तो दो types के logic होंगे, एक जिसमें most similar mention होगा, right? और दूसरा parallel reasoning। So, ये दोनों ही आपके पैरेलल रीजनिंग है। तो क्वेश्चन आइडेंटिफायर आपको मिल गया। पैरेलल रीजनिंग के लिए दो आइडेंटिफायर हो गए और आप इन दोनों आइडेंटिफायर के बेसिस पे यूज करेंगे। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब आपका जॉब क्या है, आपका रोल क्या है प्राइमरी पैरेलल रीजनिंग में? योर जॉब इज टू आइडेंटिफाई द आंसर चॉइस दैट कंटेन्स reasoning most similar in structure to the reasoning in the stimulus. This task requires you to first identify the method of argumentation used by the author and then to match that reasoning to the reasoning presented in the each answer choice. Every parallel reasoning stimulus contains an argument and therefore a conclusion. Because your job is to parallel the argument, you must parallel the सब कॉम्पोनेंट्स इंक्लूडिंग दी प्रेमिसेस एंड कंक्लूजन। तो क्या समरी निकला कि जैसे अगर आप x देयरफॉर y करते हैं, राइट तो x देयरफॉर y जिस वजह से करते हैं, ऑप्शन में भी वो x देयरफॉर y के रीजनिंग, इसकी रीजनिंग सेम होनी चाहिए और इसी को बोलते हैं पैरेलल रीजनिंग। तो आपका जॉब है पहले ये सोचना कि जब ऑथर प्रेमिस से कंक्लूजन पर पहुंचा तो उसने क्या कंसीडर किया, उसका असम्पशन क्या था। वैसे ही जब आप पैरेलल ऑप्शंस में चूज करेंगे तो वो यही चेक करेंगे कि उसमें उसके साथ पैरेलल सिचुएशन क्या था, पैरेलल रीजनिंग क्या था। यह था आपका जॉब। अब आते हैं एलिमेंट्स दैट डू नॉट हैव टू बी पैरेलल। अब मतलब एलिमिनेशन। टॉपिक ऑफ द स्टिमुलस, बी वैरी ऑफ आंसर चॉइसेस ऑफ द सेम टॉपिक। मतलब x 10 y, इसकी रीजनिंग एंड ऑप्शन में जब x 10y होगा उसकी रीजनिंग, ये इसके रीजनिंग और इसके रीजनिंग में फर्क होगा। इन दोनों के रीजनिंग में फर्क होगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इनकरेक्ट चॉइस। एलिमेंट्स दैट हैव टू बी पैरेलल, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? द मेथड ऑफ रीजनिंग, मेथड ऑफ रीजनिंग जो हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि x देयरफॉर y के केस में ये सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कॉजल रीजनिंग और कंडीशनल रीजनिंग। कॉजल रीजनिंग और कंडीशनल रीजनिंग का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कहा आई एम टायर्ड, therefore I want tea। तो इसका मतलब यह है कि टायरिंग में टी वॉक करता है, ये हो गया कॉजल रीजनिंग, राइट। वैसे ही कंडीशनल रीजनिंग का मतलब होता है when I take tea I relaxed, thus it is the tea that makes me relax। ऑल राइट, तो इसका मतलब है कि टी के अलावा ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मुझे रिलैक्स करवाती है। इसको बोलते हैं पैरेलल रीजनिंग। ऑल राइट नाउ, और सॉरी, इसको बोलते हैं कंडीशनल रीजनिंग, मतलब जो कंडीशन ग्रांट कर लिया उसी कंडीशन को कर लिया। अब आते हैं मैच द कंक्लूजन। मैच द सर्टेनली लेवल ऑफ इंटेंट ऑफ द कंक्लूजन इन द स्टिमुलस, नॉट नेसेसरली द स्पेसिफिक वर्डिंग ऑफ द कंक्लूजन। फॉर एग्जाम्पल अ स्टिमुलस कंक्लूजन कंटेनिंग एब्सोल्यूट्स मस्ट नेवर ऑलवेज will be matched by a conclusion in the correct answer choice using the similar absolute। मतलब दोनों का सेम जैसा ही होना चाहिए। यह था आपका बेसिक आइडिया अबाउट रीजनिंग। अब क्या आपको ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है डू नॉट एलिमिनेट आंसर्स जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्डिंग इज नॉट आइडेंटिकल। फॉर एग्जाम्पल मेजॉरिटी इज द सेम एज, मोर देन हाफ और मोस्ट। तो आंसर चॉइसेस में यह ध्यान रखना है कि वर्ड कंडीशन नहीं होना चाहिए। सिर्फ वर्ड की वजह से हम लोग ऑप्शन को रिजेक्ट या सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एक टाइप की इंफॉर्मेशन के लिए दो अलग अलग वर्ड यूज हो सकते हैं। दो अलग अलग वर्ड आपसे इंफॉर्मेशन दो अलग अलग वर्ड से शेयर किए जा सकते हैं। तो सिमिलैरिटी ऑफ वर्ड, मतलब वर्ड को ही सब कुछ ग्रांट करना ऐसा जरूरी नहीं है। ये आपको सेंस और मीनिंग ग्रांट करना ये जरूरी है। नाउ नेक्स्ट, Presence of a negative term in the stimulus is not grounds for dismissing the answer when the stimulus has positive language. For example, a conclusion could state the council member must be present at the meeting. That conclusion could just as easily have been worded as the counseling member must not be absent from the meeting. Ab ho gaya, same information. हो गया। तो प्रिकॉशन के वक्त क्या ध्यान रखना है कि इंटेंशन सेम होना चाहिए, इंफॉर्मेशन सेम होना चाहिए, वर्ड का सेम होना जरूरी नहीं है। तो पैरेलल रीजनिंग में वर्ड मैटर नहीं करेगा, इंफॉर्मेशन मैटर करेगा। ऑल राइट, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैच premise, match the premise, validity of the argument। Always make sure to eliminate any answer choice that does not match the logical force। All right, तो अब आपका ये क्लियर हो गया। प्रेमिस मैच कीजिए और वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट मैच कीजिए। तो इन शॉर्ट, जब आप पैरेलल रीजनिंग कर रहे होते हैं जब भी आप पैरेलल रीजनिंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको आर्ग्यूमेंट ढूंढना है। आर्ग्यूमेंट का मतलब प्रेमिस प्लस कंक्लूजन। उसके बाद इसमें मेथड ऑफ रीजनिंग ऐड करना है। तो मेथड ऑफ रीजनिंग क्या होगा? मेथड ऑफ रीजनिंग का मतलब यह होता है कि जैसे ऑथर ने प्रेमिस से कंक्लूजन निकाला तो उसके पीछे जो लॉजिक होता है वो आपको देखना है मेथड ऑफ रीजनिंग। तो मेथड ऑफ रीजनिंग में आप रीजन ऑफ कंक्लूजन देखते हैं, उसके बाद अब आपको ऑप्शन पे आना है। तो ऑप्शन जो सबसे पहले मेथड से मैच नहीं करता, मेथड मैचिंग अगर नहीं है तो आप उस टाइप के ऑप्शंस को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट का मतलब होता है 2 आउट ऑफ 2 से आपने अलग कर लिया, उसके बाद आप 2 ऑप्शंस बचते हैं तो उसमें बेस्ट के लिए कंपेयर करेंगे। ये आपका अप्रोच होगा। फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, जस्ट एज अ बाइसिकल चेन मे बी टू टाइट, सो मे वॉन्स केयरफुलनेस एंड consciousness be so tense as to hinder the running of one's mind। अब देखिए, just as bicycle chain may be too tight, so may one's carefulness and consciousness be so tense as to hinder the running of one's mind because of too tight carefulness and consciousness required, so be so tense to hinder its mean here, that is called minds got tense just because of precaution, right? So when your chain is too tight, it means that your mind get disturbed just because of carefulness and consciousness। यही था आपका information। So when you are reading such parallel reasoning, ये check कर लीजिए कि premise क्या था, premise के information क्या थे और ultimately ऑथर में मेथड ऑफ रीजनिंग क्या था। तो इसका मतलब यह है कि जब कोई भी चीज अगेंस्ट सिचुएशन अगर होगा या एंटी सिचुएशनल चीजें होंगी तो उस केसेस में माइंड आपका थोड़ा बॉदर हो जाता है। यही था। अब चलते हैं ऑप्शन पे। अब Which one of the following most closely parallel the reasoning used in the, अब ये parallel reasoning आ गया। Let's move to just as a clock may be wound too tightly, so may one's time be spent fruitlessly in the pursuit of perfection out। अब देखिए, clock may be wound too tightly, तो यहां पर wound tightly means कि चाबी ज्यादा दे दिया। So one's time be spent fruitlessly in the pursuit of perfection। अब देखिए, यहां पर अगर आपने चाबी बहुत ज्यादा टाइट दे दी तो उसके बाद उसको आपकी एक्टिविटी उससे ऐड नहीं होगी। वहां पर क्या था कि जब कभी भी कोई आप रीजनिंग कर रहे हैं, मतलब आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी में कोई भी ऐसा सिचुएशन जो एंटी सिचुएशन हो, वहां पर आपका कॉशियसनेस, केयरफुलनेस बहुत बढ़ जाता है, जिससे आपके माइंड को वो हिंडर करता रहता है, राइट? जैसे कि एक आपने टाइट टी शर्ट पहन लिया, अब वो टाइट हो गया, तो जब जब आप चल रहे होंगे तो आपका माइंड यानी कि कॉशियसनेस उस टाइटनेस पे फोकस रखेगा, राइट? अगर आप जनरल पहनते हैं तो आप पूरा शहर घूमकर आ जाएंगे, आपके बॉडी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ भी ऐसा ड्रेस आपने पहन लिया जो आप उस आपके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट नहीं बैठता, तो आपका माइंड कॉशियसनेस के साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन चाबी अगर आप दे देंगे तो उसके बाद फिर वो घड़ी कैसे काम करते, इससे आपका माइंड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि चाबी देने के बाद उससे और आपका जो एक्शन और एक्टिविटी है वो अलग हो गया। एंड देयरफॉर ऑप्शन ए कैन नॉट बी द आंसर। जस्ट एज अ कैराउजल में स्पिन टू क्विकली, सो मे वॉन्स रैपिड कंसंट्रेशन ऑन सेवरल प्रॉब्लम्स प्रिवेंट रेजोल्यूशन इन डिफिकल्टीज। ऑलराइट, दैट्स फाइन। चलो, So just as carousel may spin too quickly, so may one's rapid concentration on several problems prevent a resolution of difficulties। So just as carousel may spin too quickly, कोई activities जैसे पार्टी शार्टी ऐसी चीजें फटाफट होती हैं, so may one's concentration on several problems prevent रेजोल्यूशन ऑफ डिफिकल्टीज। इसका मतलब यह है कि उस पर वो फोकस रखेगा। ओके, जस्ट एज मशीन में बी ओल्ड too much, so may one's heavy drinking of alcoholic beverages lead to complete dissipation out। क्योंकि यहां पर फिर से आप क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ध्यान देखिएगा, वहां पर चेन टाइटली था, आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, इसीलिए केयरफुलनेस था, कॉशियसनेस था, तो कॉशियसनेस की वजह से वो डिसीजन मेकिंग में हिंडरिंग हो रही थी यहां पर, और यहां पर इन दोनों में पार्टिसिपेशन नहीं है। जस्ट एज अ रेजिंग रिवर मे बी फ्रोजन इनटू स्टिलनेस ड्यूरिंग द विंटर, सो मे वॉन्स करियर फॉल्टर आउट। क्योंकि अगेन यहां पर आप एक्शन नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर इज बी। जब भी आप पैरेलल रीजनिंग कर रहे होते हैं तो पैरेलल रीजनिंग में इंफॉर्मेशन जो प्रेमिस और कंक्लूजन को बिल्कुल एडजस्ट करे, जिस वजह से कंक्लूजन बना है, जिस वजह से जिस रीजनिंग की वजह से कंक्लूजन बना है, वही रीजनिंग अगर ऑप्शन में कैरी हो तो वो पैरेलल रीजनिंग कहलाता है। फाइन, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं पहले। सम पीपल बिलीव दैट विटनेसिंग वायलेंस इन मूवीज will discharge aggressive energy. Does watching someone else eat fill one's own stomach? चलो अब देखिए, रीजनिंग समझिए। विटनेसिंग वायलेंस, डिस्चार्ज अग्रेसिवनेस, मतलब अगर आप पैसिव ऑब्जर्वेशन करेंगे तो एक्टिव रिएक्शन होगा। तो क्या किसी और को खाते हुए देखने से खुद का पेट भर जाएगा? राइट, ये था पैसिव ऑब्जर्वेशन से एक्टिव एक्टिविटी होती है। तो क्या पैसिवली देखने से, मतलब कोई और खा रहा और हम देख रहे हैं, तो क्या उस केस में खुद का पेट भर जाएगा? ये था आपका रीजनिंग। तो जब कभी भी आप पैरेलल रीजनिंग कर रहे होते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप रीड पैसेज और ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। रीड पैसेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, और उस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे फिर आप दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे या फिर आप दूसरी रीजनिंग लगाएंगे। तो अब ये क्लियर हो गया, पैसिव ऑब्जर्वेशन से एक्टिवली रिएक्ट होता है। तो क्या ये बात खाने पे भी लागू होगा, ये ऑथर ने कहा। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रीजनिंग मोस्ट क्लोजली पैरेलल द एम्प्लॉयड इन द पैसेज? ओके, सेम, अब पैरेलल रीजनिंग इसका भी हो गया। अब आते हैं ऑप्शंस पे। सम पीपल थिंक अप्रोप्रिएटिंग सप्लाइज एट वर्क फॉर दियर ओन पर्सनल यूज is morally wrong. Isn't shoplifting morally wrong? चलो, कुछ लोग ये कहते हैं कि जब आप अपने वर्क पे सप्लाई करते हैं तो वो morally wrong है, तो क्या shoplifting भी morally wrong होगा? चलिए, वहां पर दो अलग अलग बातें थी। एक तरफ रिएक्ट हो रहा था, दूसरी तरफ एक्ट नहीं हो रहा था। राइट ना, मतलब आपने कहीं ऐसा देखा कि आप कोई लड़ रहा है, उससे आपकी एनर्जी कम होगी, तो क्या खाने में भी अगर आप किसी को देखते तो आपको आपका भूख मिट जाता है? ये वहां पर था। यहां पर वर्क आप करवा रहे हैं, मतलब किसी और का वर्क आप यूज में ले रहे हैं। बिना यूज में लिए अगर वर्क हो जाता तो प्रेमिस आपका जस्टिफाई होता, दैट वाज इंटेंशन। अब आपका क्लियर हुआ कि ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि अप्रोप्रिएटिंग सप्लाईज एट वर्क फॉर दियर ओन पर्सनल यूज इज मोरली रॉन्ग, मतलब वहां पर आप क्या कर रहे हैं, वर्क ले रहे हैं, आप अपने लिए काम ले रहे हैं, और अपने लिए काम ले रहे हैं तो मोरली रॉन्ग है। और क्या तो शॉपलिफ्टिंग मोरली रॉन्ग नहीं हुआ? हुआ, राइट ना। वहां पर दो अलग अलग केसेस थे। पैसिवली ऑब्जर्व किया आपने तो आपकी एनर्जी खुद डाउन हो गई, आपका अग्रेसिवनेस खत्म हो गया। तो क्या वो बात ऐसी चीजों पर भी अप्लाई होता है जहां पर आप खुद करने के बाद सेटिस्फाई होते हैं? यहां पर उसका उल्टा केस है। यहां पर क्या था, यहां पर यह है कि आपने काम पहले ले लिया, तो क्या फिर चोरी करना भी बुरी चीज है? यही बात बनेगी। तो ये दो अलग अलग कंडीशन हो गए, इसलिए ए कैन नॉट बी द आंसर। सम पीपल थिंक नेशनलिज्म इज डिफेंसिबल। चलो, हैजंट नेशनलिज्म बीन द एक्सक्यूज फॉर कमिटिंग एबोमिनेबल क्राइम्स? चलो, सम पीपल थिंक नेशनलिज्म इज डिफेंसिबल। अब इसमें पैसिव ऑब्जर्वेशन नहीं है, राइट ना, आपको पैसिवली ऑब्जर्व करना है और पैसिवली ऑब्जर्व करने के बाद आपको जस्टिफाई करना है। एक तरफ आप पैसिव ऑब्जर्वेशन करेंगे फिर आप पे वो रिएक्ट होगा, लेकिन वही बात दूसरी जगह अप्लाई नहीं होगा। यहां पर डिफेंसिबल है और फिर एक्सक्यूज है, इसका मतलब है कि दोनों डिफेंसिबल है तो एक ही जैसे सिचुएशन हो गए, इसीलिए ये भी आउट हो गया। सम पीपल थिंक दैट बॉक्सिंग इज फिक्स्ड जस्ट बिकॉज रेसलिंग यूजुअली इज ओके। आर द टू स्पोर्ट्स मैनेज्ड बाय द सेम स्पोर्ट्स सॉर्ट ऑफ पीपल? सेम वही कि एक्स को किसी ने फिक्स किया और वाई भी इसी तरीके से फिक्स होता है, तो क्या इन दोनों को कोई एक ही बंदा फिक्स कर रहा है? राइट ना। तो यहां पर देखिए दो एंटी एक्टिविटीज नहीं हो रहे, वहां पर देखने से आपका गुस्सा खत्म हो रहा था लेकिन खाने से पेट नहीं भरने वाला है। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर दोनों एक ही जैसे मैनेज किए जा रहे हैं। मतलब जैसे बॉक्सिंग फिक्स है रेसलिंग फिक्स रहता है बिकॉज रेसलिंग यूजुअली इज, मतलब दोनों ही फिक्स रहते हैं, तो इसका मतलब है कि दोनों फिक्स हैं। यहां पर अलग केस हो गया। आर द टू स्पोर्ट्स मैनेज्ड बाय द सेम सॉर्ट्स ऑफ पीपल? सेम चीज हो गई, मैनेज हो रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी आउट हो गया। अब आते हैं ऑप्शन डी पे। सम पीपल थिंक दैट इकोनॉमिस्ट कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन, कैन मेट्रोलॉजिस्ट मेक द सनशाइन? अब देखिए सम पीपल थिंक दैट इकोनॉमिस्ट कैन कंट्रोल इन्फ्लेशन, जैसे वहां पर पैसिव ऑब्जर्वेशन से आप पे रिएक्ट हो रहा था वैसे इकोनॉमिस्ट यहां पर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे केसेस में आप ईटिंग देखकर अपना पेट नहीं भर रहे थे, वैसे ही यहां पर मेट्रोलॉजिस्ट मेक द सनशाइन, मतलब पैरेलल सिचुएशन नहीं होगा, इसीलिए आंसर इज डी। अब आपको क्लियर हुआ कि क्या रहेगा सिचुएशन। सो द पॉइंट इज कि इन पैरेलल रीजनिंग आपको दो कंडीशन मैच करने हैं, दो सिचुएशन मैच करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिएक्ट करना है। तो पैरेलल रीजनिंग में पहले ये देखिए कि आर्गुमेंट कैसे बना था और ठीक उसी टाइप के आर्गुमेंट आपको दूसरे में बनाने हैं और वही आपका आंसर होगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब तो पैरेलल रीजनिंग में आपका जो पहला जॉब है वो है रीड करना है पैसेज को। पैसेज रीड करने के बाद आपको माइंड मेकअप करना है कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या है और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको जस्टिफाई करना है। ऑलराइट, चलो फिर लेट्स मूव। अब आप सबसे पहले पैसेज पढ़िए और पैसेज को समझने की कोशिश कीजिए। उस पैसेज में ये देखिए कि क्या इंफॉर्मेशन और उसको कैसे रिलेट करेंगे। ऑलराइट, सो द पैसेज सेज अ वेल नोन स्पोर्ट्स फिगर फाउंड दैट कंबाइनिंग पब्लिसिटी टूवर्ड्स विद प्लेइंग टूवर्ड्स led to problems, so she stopped combining the two. She no longer allows bookstores, appearance and playing in competition to occur in the same city within the same trip. This week she is traveling to London to play in a major competition, so during her stay in London she will not be making any publicity appearances at any bookstore in London. Fine. अब आप एक बार जरा पैसेज को गौर से देखिए और समझिए कि पैसेज में आर्गुमेंट कैसे बना, आर्गुमेंट क्यों बना और आर्गुमेंट बनने के पीछे लॉजिक क्या था। अ वेल नोन स्पोर्ट्स फिगर फाउंड दैट कंबाइनिंग पब्लिसिटी टूवर्ड्स विद प्लेइंग टूवर्ड्स लेड टू द प्रॉब्लम्स। क्या बोला उसने कि अगर टू टाइप्स के टूवर्ड्स को इंक्लूड किया जाए तो वो प्रॉब्लम बनता है। राइट, सो शी स्टॉप्ड कंबाइनिंग टू, मतलब एक बार में एक ही। शी नो लॉन्गर अलाउज बुक स्टोर अपीयरेंसेज एंड प्लेइंग इन कंपटीशन टू अकर इन द सेम सिटी विद इन द सेम ट्रिप, मतलब वो दो चीजें एक साथ नहीं कर रहे। दिस वीक शी इज ट्रेवलिंग टू लंडन टू प्ले इन अ मेजर कंपटीशन, सो ड्यूरिंग हर स्टे इन द लंडन शी विल नॉट बी मेकिंग एनी पब्लिसिटी अपीयरेंस एट एनी बुक स्टोर इन लंडन। मतलब टू कॉज करता है इसीलिए वन को फॉलो करती है। राइट, दैट वाज। अब ये आपका पैरेलल रीजनिंग हो गया, पैरेलल अजम्पशन हो गया। अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट क्लोजली पैरेलल द रीजनिंग यूज्ड इन द पैसेज? ऑलराइट, अब टू एक्टिविटीज करने पे प्रॉब्लम हो जाती हैं इसीलिए वो वन एक्टिविटी करने के लिए रेडी है। तो जब कभी भी होगी तो एक बार में वो वन एक्टिविटी करेगी। राइट ना, वेर एवर देर इज एन एक में बग किलर मेनी वॉस्प्स आर किल्ड। The Z family garden has an acme bug killer, so any wasps remaining in the garden will soon be killed. वहां पर दो में से एक ही एक्टिविटीज एक बार में हो रहा था और यहां पर दोनों ही एक्टिविटी। Wherever there is an acme bug killer, many wasps are killed. Right? जब bug killer है तो wasp killed है। The Z family garden has an acme bug killer. बग किलर फिर से आ गया। सो एनी वॉस्प रिमेनिंग इन द गार्डन विल सून बी किल्ड। एक्टिविटी एक ही हुआ, वहां पर दो एक्टिविटी में एक से नुकसान होता था एक से फायदा होता था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि एक बार में वो एक ही एक्टिविटी करेगा। आउट हो गया ये। द ओनली टाइम्स दैट द हॉस्पिटल्स इमरजेंसी रूम स्टाफ अटेंड्स टू रिलेटिवली लेस सीरियस इमरजेंसीज आर द टाइम्स व्हेन देयर इज नो क्रिटिकल इमरजेंसी टू अटेंड टू। मतलब कि जब वो अटेंड कर रहे हैं तो लेस इमरजेंसी वाले को कर रहे हैं। राइट। ऑन मंडे नाइट द इमरजेंसी रूम स्टाफ अटेंडेड टू अ सीरियस फेयरली माइनर इमरजेंसी, सो देयर मस्ट नॉट हैव बीन एनी क्रिटिकल इमरजेंसीज टू टेक केयर ऑफ एट द टाइम। क्लियर हुआ? देखिए, लेस सीरियस इमरजेंसीज, टाइम व्हेन देयर इज नो क्रिटिकल इमरजेंसी, मतलब लेस और क्रिटिकल, तो दोनों को एक साथ अटेंड नहीं कर सकता। जब भी वो अटेंड करती है, लेस करती है तो क्रिटिकल नहीं रहता है। अब देखिए, ऑन मंडे नाइट द इमरजेंसी रूम स्टाफ अटेंडेड टू अ सीरीज ऑफ फेयरली माइनर इमरजेंसीज, सो देयर मस्ट नॉट हैव बीन एनी क्रिटिकल इमरजेंसीज। दो में से एक ही हुआ, इसका मतलब ये ठीक था। राइट ना। अब आते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे। टमेटो प्लांट्स रिक्वायर हॉट समर्स टू थ्राइव। फार्म्स इन द कूल समर्स ऑफ कंट्री वाई प्रोबली डू नॉट हैव थ्राइविंग टमेटो प्लांट्स। राइट। अब देखिए, टमेटो प्लांट्स रिक्वायर हॉट समर्स टू थ्राइव, तो वैसे भी यहां पर दो सिचुएशन नहीं होगा, आपको दो में से एक ही फॉलो करना है। तो टमेटो प्लांट्स के लिए हॉट समर चाहिए टू ग्रो, एंड फार्म्स इन द कूल समर्स ऑफ कंट्री वाई प्रोबेबली डू नॉट हैव द थ्राइविंग टमेटो प्लांट्स। सेम बात हो गया, आपको दो सिचुएशन में से एक सिचुएशन फॉलो करना है और यहां पर एक ही सिचुएशन है। आउट। हायर ग्रेड्स लीड टू बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, हायर ग्रेड leads to better job opportunities and studying leads to higher grades. All right, therefore studying will lead to the better job opportunities. वही बात हो गई कि ग्रेड होगा तो ज्यादा ऑप्शन होंगे, ज्यादा ऑप्शन होंगे तो ज्यादा जॉब होगा। पर ऐसा तो नहीं है कि दोनों में से कोई एक ही होगा, सिर्फ हायर जॉब हो तब बेटर स्टडीज हो, जब बेटर स्टडीज हो तो हायर जॉब हो। नॉट पॉसिबल। राइट, एंड therefore out, so B becomes answer. अब आपके पास रीजनिंग पता लगा, रीजनिंग क्लियर हुआ क्यों ऐसा हुआ ये, क्योंकि वहां पर दो सिचुएशंस थे, दोनों सिचुएशन अगर वो एक साथ फॉलो करता है तो नुकसान होता है, इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो एक बार में एक ही सिचुएशन फॉलो करेगा। यहां पर भी वो दो सिचुएशन थे, उसमें से उसको एक ही फॉलो करने का डिसाइड किया। इधर सिचुएशन ही एक है, इधर सिचुएशन ही एक है, इधर सिचुएशन ही एक है, इसीलिए ये पैरेलल रीजनिंग नहीं बनेगा। ऑलराइट, चलो समराइज करते हैं। सो द समरी इज, पैरेलल रीजनिंग बहुत आसान है अगर आप थोड़ा कंसंट्रेट करेंगे ऑन रीजनिंग, अगर आप थोड़ा माइंड मेकअप करेंगे कि रीजनिंग बनता कैसे है, रीजनिंग बना कैसे, रीजनिंग बनेगा कैसे। उसके बाद अगर आप माइंड मेकअप करेंगे रीजनिंग के अकॉर्डिंग तो ऑटोमेटिकली आपका जो पैरेलल रीजनिंग है वो इक्वल निकलेगा। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब अगर आप आर्गुमेंट नहीं समझ सके और डायरेक्टली अगर आप ऑप्शन पे आ गए तो वो आपकी प्रॉब्लम होगी। देयरफॉर व्हेन यू आर सॉल्विंग एनी पैरेलल रीजनिंग क्वेश्चन, फोकस ऑन दैट व्हाट इज आर्गुमेंट, हाउ टू गेट आर्गुमेंट एंड देन व्हाट आर्गुमेंट इट इज बिकमिंग, एंड दैट विल बिकम द आंसर। ऑलराइट, चलो, सो फाइनल क्वेश्चन, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। Again, reading the argument, trying to understand the argument, and after getting the argument, you will find that what should be the answer. So in short, when you are solving any parallel reasoning question, then your first job will be to check that what is condition in the passage, and same condition should be in the option. So your first job is to understand reasoning in the passage and then reasoning in the option. Fine. The rise in the prosperity of England subsequent to 1840 can be attributed to the adoption of policy of free trade. तो ग्रोथ के पीछे क्या था? फ्री ट्रेड, राइट? Since economic conditions improved only when that policy had been implemented. लेकिन जब कंडीशन अच्छा होगा तभी ये चीजें वर्क करती हैं. जैसे द राइज ऑफ प्रोस्पेरिटी इंग्लैंड, फ्री ट्रेड को उसने फोकस किया, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव होती है. समझिएगा, फ्री ट्रेड तब पॉसिबल है जब आपकी ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि ये प्रोस्पेरिटी में होता है. समझिएगा, एक्स की वजह से वाई और वाई की वजह से जी, ये आपका कंडीशन बना. ऑलराइट, समझिए कि एक्स की वजह से वाई और वाई की वजह से आपका जी बना. फाइन ना? तो इसको माइंड में रखिएगा. द रीजनिंग इन दी अबव आर्ग्यूमेंट मोस्ट क्लोजली पैरेलल दैट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. एंड exhaustive search of the marshes last year revealed no sign of marsh hawks. So it can be assumed that a similar search this year would reveal equally little sign of that kind of bird. देखिए, an exhaustive search of the marshes last year revealed no sign of marsh hawks. Right? So it can be assumed that the similar search this year would reveal equally little sign of that kind of bird. यहाँ पर no था, यहाँ पर little है, तो same नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर x leads to y and y exists just because of x, right? और यहाँ पर no sign of hawks और यहां पर लिटिल साइन ऑफ दैट काइंड ऑफ बर्ड. तो उल्टा हो गया, और यहां पर उल्टा हो गया, क्योंकि वहां पर आप नो साइन था, फिर बाद में आप उम्मीद लगा रहे हैं, और यहां पर वैसा नहीं था. सो ऑप्शन ए आउट. बिल्डिंग अ सर्कुलर बाईपास रोड अराउंड प्लेनफील्ड प्रोबेबली हेल्प्ड द फ्लो ऑफ लोकल ट्रैफिक इन टाउन सेंटर. बाईपास से रास्ता ला. सिंस अ सर्कुलर बाईपास रोड जनरली कट्स A cities through traffic markedly. अगर सिटी से अगर ये कट जाता है और तब मार्ग करता है, तो फिर आप बेनिफिट कैसे लेंगे? नहीं ले सकते. वहां तो ये था कि प्रोस्पेरिटी से फ्री मार्केट होगा, और ये तभी होता है जब लोग ग्रो कर चुके होते हैं. इसका मतलब यह है कि बाईपास आपको सिटी के अंदर ही रखना पड़ेगा. सिटी से अगर काट देते हैं तो फिर सिटी को इंक्लूड ही नहीं करते, तो उसका बेनिफिट क्या मिला? इसीलिए आउट. बिफोर द बैंक्स रेज्ड देयर इंटरेस्ट रेट्स, पीपल ऑन एवरेज इनकम्स कुड ऑलमोस्ट अफोर्ड अ मॉर्गेज फॉर एन अमाउंट ट्वाइस देयर सैलरी. हेंस द रेट इंक्रीज हैज नाउ पुट मॉर्गेज बियॉन्ड देयर रीच. आउट. बिफोर द बैंक्स रेज्ड इंटरेस्ट रेट्स, पीपल ऑन एवरेज इनकम्स कुड ऑलमोस्ट अफोर्ड मॉर्गेज फॉर अमाउंट ट्वाइस देयर सैलरी. मतलब वो अपने सैलरी से ज्यादा मॉर्गेज कर सकते थे, राइट ना? हेंस द रेट इंक्रीज हैज नाउ पुट मॉर्गेजेस बियॉन्ड देयर रीच. तो इसका मतलब ये कि इंक्रीज से वो हो गया, फिर से वो एक्स के साथ वाई, वाई के साथ जी नहीं हुआ, राइट ना? इसीलिए आउट. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जब रेज नहीं होता है तो वो डबल लेते हैं, राइट? और अब रेज हो गया तो वो डबल नहीं ले सकते, तो उल्टा हो गया. उल्टा नहीं हुआ, मतलब उल्टा ही हो गया, ये एक्स वाई जी नहीं बना, इसलिए ये आउट. नाउ सिंस द इंप्रूवमेंट इन द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी बिगेन टू अकर आफ्टर द वाइस प्रेसिडेंट्स न्यू morale building programs was put into the place. That program can be created with the improvement result. अब देखिए इंप्रूवमेंट इसकी वजह से हुआ और इंप्रूवमेंट की क्रेडिट इसको होगा तो एक्स वाई, एक्स लीड टू वाई और वाई कब होता है जब एक्स एग्जिस्ट करता है राइट ना। इंप्रूवमेंट in the company's profitability began to occur after the vice president's new morale building program was put into place. The program can be credited with the improved result. आगे वही याद है वहां पर क्या था, वहां पर यह था कि जब आपकी प्रॉस्पेरिटी होगी तो फ्री ट्रेड होगा और फ्री ट्रेड पॉसिबल है जब आप ग्रो कर चुके हैं मतलब x lead to y और फिर वहीं पहुंच गए एंड दैट इज कॉल्ड डी एंड हेंस डी इज द आंसर। सो इन शॉर्ट पैरेलल रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, फोकस शुड बी टू जस्ट लुक एट द आर्ग्यूमेंट और उसके बाद आर्ग्यूमेंट को कैसे रिलेट करेंगे, आर्ग्यूमेंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे एंड दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। सो वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल। इन फर्दर क्लासेस वी आर गोइंग टू रिवाइज ऑल, वी आर गोइंग टू टेक अ शॉर्ट लुक ऑफ ऑल, वी आर गोइंग टू डिस्कस शॉर्टकट। सो द फ्यूचर क्लासेस विल बी मूव टूवर्ड कि अब आपने जो पहले सीखा उसको रिवाइज कैसे करेंगे और उसका स्टडी प्लान कैसे बनाएंगे। सो लेट इट बी दिस मच फॉर टुडे। हैव अ गुड टाइम, कैच यू नेक्स्ट वीडियो।